कि महान अगस्तुस कैसर की ओर से ये आज्ञा ली गई कि सभी लोगों के नाम लिखे जाए। अतः यूसुफ इसलिए दाऊद के घराने और वंश का था अपनी मगीदर मरियम के साथ दाऊद के नगर बैतलहम को गया और वहां रहते हुए उसके चलने के लिए पूरे हुए और वह अपना पहलौटा पुत्र जने और उसे कपड़े में लपेट कर चलने में लगा क्योंकि उसके लिए सराय में जगह ना थी। ये पूछते हुए यरूशलम में आए कि राजा का जन्म कहाँ हुआ है, जो कि यहूदियों का राजा है, जिसका जन्म हुआ है और जिसके तारे को देखकर वो राजा के महल में आए हैं और उसे प्रणाम करना चाहते हैं। ये सुनकर हेरोदेस के साथ सारा यरूशलम घबरा गया और वो सोचने लगा और उसने तुरंत जाकर शास्त्री और पुरनियों को बुलाया क्योंकि उस राजा के विषय में शास्त्रों में और पुराणों में लिखा हुआ था और मजूसी राजा से पूछताछ करने लगे। राजा कैसा राजा, मेरे होते हुए कोई दूसरा राजा ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, आप लोग एक काम करें, आप लोग जाकर उसका पता करें ताकि मैं भी जाकर उसको दंडवत कर सकूं। राजा की बात सुनकर चले गए और स्वप्न में ये चेतावनी पाकर कि विपरीत से राजा के पास वापिस ना जाए क्योंकि वे राजा उद्धार कर्ता को मार डालना चाहते। मंत्री जी, जी महाराज, शहर में 2 वर्ष और 2 वर्ष से नीचे जितने भी बालक हैं उनको मरवा दिया जाए। चलने में पाओगे और उसका वो बालक
कपड़े में लिपटा हुआ चरनी में पड़ा होगा और तब स्वर्गदूत के साथ हे काले स्वर्गदूत पदम ये कहते हुए और परमेश्वर की बड़ाई करते हुए उन्हें दिखाई दिया कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों से जिनसे वे प्रसन्न होता है शांति हो। तब स्वर्गदूत उनके पास से चले गए। बहुत देर तक सोचने के बाद बदलियों ने आपस में कहा चलो भाइयों ये जो बातें जो स्वर्गदूत ने हमको बताई है चल कर देखें। और उन्होंने तुरंत उस बालक को उसकी माता के साथ कपड़े में लिपटा हुआ और चटनी में पड़ा पाया जैसा स्वर्गदूत ने उनको बताया था और उन्होंने उस बालक को दंडवत किया और मजूसियों ने भी जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वो उनके आगे आगे चला और जहाँ बालक उत्पन्न हुआ था वहां पहुंचकर ठहर गया। सिर्फ जन्मा परंतु प्रभु था उसके कांधे पर थी और उसने